चाहे सरकार हो या इंडस्ट्री, ये हमारा साझा दायित्व के रूप में हमें तेज गति से आगे बढ़ाना है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। साथियों, इस बार के बजट का एक और पहलू है जो विकसित भारत की हमारी जर्नी को ताकत देगा। ये विषय है मैन्युफैक्चरिंग। आप सभी ने देखा है कि 10 साल में भारत का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। हमने मेक इन इंडिया जैसा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया, हमने अनेक सेक्टर्स में एफडीआई नियमों को सरल किया, हमने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए, 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की। ऐसे निर्णयों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। अब इस बजट में देश के 100 बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। ये 100 शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे। सरकार मौजूदा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी आधुनिकीकरण करेगी। हमारा बहुत बड़ा फोकस एमएसएमईज पर भी है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार ने एमएसएमई को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया है। एमएसएमईज को जरूरी वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट मिले, उनके कंप्लायंस बर्डन और टैक्सेस कम हो, उनकी मार्केट एक्सेस और संभावनाएं बेहतर हो, एमएसएमईज का फॉर्मलाइजेशन हो, इसके लिए 2014 से ही हमने लगातार काम किया है। इस बजट में भी एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। साथियों, जब बजट आता है तो उसके बाद अक्सर चर्चा कुछ प्रमुख बातों के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है और ज्यादातर तत्कालीन चर्चा मीडिया ड्रिवन होती है और वो भी एजेंडा के तहत ड्रिवन होती है। जब शांत वातावरण होता है तब जाकर के स्थितियां की तरफ नजर गहराई से जाती है। कई बार संबंधित इंडस्ट्री या फिर एक्सपोर्ट्स वे भी थोड़ा बहुत उनका ध्यान जाता है, उसकी बात करते भी है, लेकिन बजट की ऐसी बातें मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में बार बार दोहराना जरूरी है। माइक्रो लेवल पर भी उसका एनालिसिस जरूरी है। अब जैसे बजट में न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए एलोकेशन बढ़ाया गया है, हम कृषि में भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, हम किसानों को जमीनों के नंबर देने के लिए भू आधार कार्ड भी देने जा रहे हैं, स्पेस इकोनॉमी के लिए भी 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल की व्यवस्था की गई है। बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की भी घोषणा की गई है। हम जल्द ही माइनिंग के ऑफशोर ब्लॉक्स के पहले चरण की नीलामी शुरू करने वाले हैं। ये सारे ऐलान प्रगति के नए रास्ते खोलेंगे, नए अवसर बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है तो नए सेक्टर्स में भी संभावनाएं बन रही है, विशेष रूप से हमारे सनराइज सेक्टर्स में।
आप जानते हैं टेक्नोलॉजी ही वर्तमान है, टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। आज जो भी देश सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी जगह बनाएगा वो भविष्य में बड़ी भूमिका में रहेगा, और इसलिए हम भारत में इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी एनकरेज कर रहे हैं। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन का दौर है। एक जमाने में जो भारत मोबाइल फोन्स को इंपोर्टर था वो आज दुनिया के टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर में स्थान ले चुका है। भारत में हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया है। हम ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे अनेक सेक्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। अब पीएम सूर्य घर योजना, ये इतनी बड़ी योजना है, इतने वेंडर्स की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही हम स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ एनर्जी एक्सेस के रूप में इंडस्ट्री को लाभ होगा बल्कि इस सेक्टर से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन को भी बिजनेस की नई संभावनाएं मिलेगी। हमारी इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योर्स ने हमेशा देश के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मुझे विश्वास है कि मैंने जिन भी सनराइज सेक्टर्स का जिक्र किया है उन सभी में आप भारत को ग्लोबल प्लेयर बनाने वाले हैं। और ये मेरे लिए ग्लोबल प्लेयर शब्द भर नहीं है जी, मैं साफ मानता हूं मेरा देश ग्लोबल प्लेयर बनेगा। साथियों, हमारी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है और इससे तो आप भी परिचित हैं। हमारे लिए देश और देशवासियों की आकांक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इंडस्ट्री को, भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं। मैं आप जैसे साथियों को, वेल्थ क्रिएटर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्रमुख ड्राइविंग फोर्स मानता हूं, और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता हूं। साथियों, पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है, आप सब पर है। आज भारत की नीति, भारत की निष्ठा, भारत का निश्चय, भारत के निर्णय और भारत में हो रहा निवेश पूरे विश्व की प्रगति का आधार बन रहा है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहां आने के लिए लालायित है। वर्ल्ड लीडर्स भारत को लेकर पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। ये भारत की इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन मौका है, गोल्डन चांस है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। मैंने नीति आयोग की बैठक में भी, अभी जब मुख्यमंत्रियों से मीटिंग हुई तो मैंने उनसे कहा है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली चार्टर तैयार करे हर राज्य, राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए,
और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का एक भी राज्य पीछे रह जाए। निवेश के लिए नीतियों में और स्पष्टता लाएं, बेहतर माहौल बनाएं, गुड गवर्नेंस का एहसास हर कदम पर होना चाहिए ताकि निवेशक देश के हर राज्य में जा सके। साथियों, मैं गत 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर और विश्व की स्थितियों को बारीकी से जानने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। हम गरीब देश के रूप में आजाद हुए थे, हम लूट चुके थे, दुनिया में जो कोई भी लूटना चाहता था लूट रहा था, आखिरी मोमेंट तक लूटे गए थे और फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की थी।